जी क्या कैफ रेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं लेक्चर नंबर नाइन हमारा कल के लेक्चर में हमने ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर को डिस्कस किया था आइटे की रिस्पॉसिबिलिटीज़ क्या है हमने सीखा कि आइटो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रीजनेबल एश्योरेंस ऑफ्टेन करना ठीक है इसके बाद हमने ये सीखा कि अगर कभी एग्जाम में हमसे वो कोई केस दे के पूछता है कि ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद उसमें मिस स्टेटमेंट सामने आई तो हमने कैसे अपने आप को डिफेंड करना है पहले हमने मटीरियलिटी को वैल्यूएट करना है और फिर अगर मिसस्टेटमेंट मटीरियल हो तो स्टिल हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं क्या क्या क्य? के ये रीजनेबल इश्योरेंस एंगेजमेंट है ठीक है जिसमें इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं आज के लेक्चर में हम एक्सपेक्टेशन गैप स्टडी करेंगे लेकिन उससे पहले हमारी होम असाइनमेंट ड्यू थी चैप्टर वन में वॉल्यूम टू आपको याद है ना हमारा दो बुक्स हैं एक वॉल्यूम वन और एक वॉल्यूम टू जो वॉल्यूम वन है वो तो हमारे नोट्स हैं और रिप्रोडक्शन रेटिव वाले क्वेश्चन हैं लेकिन जो वॉल्यूम टू है वो हमारी केस स्टडी बेस्ड है तो वॉल्यूम टू की प्रैक्टिस लाजमी है ठीक है ये ना समझेगा कि हालांकि वॉल्यूम वन में सारे कंसेप्ट कंप्लीट हो जाते हैं ऐसा नहीं है कि कुछ कंसेप्टियम वन है कुछ वॉल्यूम टू में ऐसा नहीं है सारे के सारे कंसेप्ट वॉल्यूम वन में कंप्लीट हो जाते हैं लेकिन केस स्टडीज के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मटीरियल की जरूरत है वो एक्स्ट्रा मेटीरियल वॉल्यूम टू में तो चैप्टर वन के क्वेश्चंस आपको दिए गए थे होम असाइनमेंट के तौर पे उम्मीद आपने किए होंगे ठीक है जरा चेक कीजिएगा कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने असाइनमेंट अच्छा, देखी साउंड अच्छा साउंड देखिए हाइब्रिड में ठीक है हाइब्रिड क्लास में ओके चलिए जी क्वेश्चन वन वॉल्यूम टू का क्वेश्चन वन नीचे अटेम्प्ट है आर्टम टू तो थाउजेंड तो नाइनटीन क्वेश्चन थ्री अच्छा वॉल्यूम टू में कुछ क्वेश्चंस होंगे आई के कुछ होंगे अदर बॉडीज के वो सारे अदर बॉडीज के क्वेश्चन भी केयरफुली सेलेक्ट किए गए हैं आपने उनको भी प्रैक्टिस करना है कह रहे है? अच्छा केस स्टडी का सुनिए सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आपने कल भी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए ये भी आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं एक क्वेश्चन वन आपको कोई फर्क नजर आ रहा है सबसे पहला डिफरेंस ये एक बड़ा क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की पहली पहचान ही यही होती है वो एक लेंथी क्वेश्चन होता है वो पैराग्राफ दो या तीन पैराग्राफ में उसने इंफॉर्मेशन दी होती है जबकि जो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन होता है वो दो या तीन लाइनों में निमड़ जाता है

अगर आप पहले क्वेश्चन तो पढ़े और बाद में रिक्वायरमेंट तो क्वेश्चन पढ़ते हुए आप ब्लाइंड अप्रोच होगी आपकी आपको नहीं पता एंड में क्या चीज पूछने जा रहा है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछने जा रहा है वो अमजद के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है कि सलीम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछने जा रहा है क्या की कोई बात कर रहा है आपको नहीं पता होगा लेकिन जब रिक्वायरमेंट क्लियर होगी तो फिर उसे आपको पता चल जाएगा कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है आप क्वेश्चन को पढ़ते हुए उस पार्टी से उस रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए उसके कॉन्टेक्स्ट में एनालिसिस कर रहे करेंगे फैक्सर तो सबसे पहले आज हमने दो चीजें सीखी है केस स्टडी के बारे से पहला केस स्टडी को पहचानना कैसे है एक निशानी क्या है बड़ा क्वेश्चन होगा दो तो तीन पैराग्राफ में और दूसरी अप्रोच केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है आपको लग रहा है तो आपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ना है ताकि रिक्वायरमेंट के लिहाज से इंफॉर्मेशन का एनालिसिस कर सके कलियर अच्छा एक चीज अब मैं आपको बता रहा हूं जो बड़ी एडवांस लेवल की केस स्टडीज में आप फेस करेंगे प्रॉब्लम अक्सर रिक्वायरमेंट पढ़ के आपको अंदाजा हो जाता है कि कौन सा टॉपिक है लेकिन कुछ स्वेशन में रिक्वायरमेंट पढ़ के अंदाजा नहीं रिक्वायरमेंट होगी जनरलाइज किस्म की कि वर्ड शुड ऑडिटर डू इन दिस सिचुएशन अगर रिक्वायरमेंट में ये लिखा है शुड डू इन दिस सिचुएशन आप बता सकते हैं ये किस चैप्टर का किस कंसेप्ट का कौन टॉपिक का क्वेश्चन है नहीं वो आपको पढ़ के अंदाजा है लेकिन बहरहाल के स्टडी या बताइए पहले क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट शब्द डिस्कस हाउ यू विल रिस्पॉन्ड टू द व्यू पॉइंट ऑफ अमजद रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह रहा है बताओ आप कैसे अमजद के व्यू पॉइंट्स को रिस्पॉन्ड करेंगे इसका मतलब यह हुआ कि इसमें अमजद कोई व्यू पॉइंट दे रहा है हमने अमजद के व्यू पॉइंट के ऊपर कमेंट करने हैं और याद रखें जब भी किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर कमेंट करना होता है ना तो या तो वो स्टेटमेंट ठीक होती है या गलत होती है कमेंट का यही मतलब है ना आपको स्टेटमेंट देंगे मैं से कहूंगा कमेंट करें तो इसका मतलब क्या है कि बताएं सही है कि गलत है अच्छा मुझे बताइए अगर मैं इन्होंने स्टेटमेंट दी भाई को कहा इनके स्टेटमेंट पे कमेंट करो इन्होंने कहा सर ये गलत है क्या ये कंप्लीट हो गया इनका नहीं बताना चाहिए गलती क्या है, है। नहीं बताना चाहिए गलती क्या है ठीक है तो ये जेन में रखिएगा अगर इसमें अमजद का कोई व्यू पॉइंट ठीक हुआ तो हम कहेंगे ठीक है हमने आर्डर में ऐसे पढ़ा था ऐसे होता है लेकिन अगर कोई व्यू पॉइंट गलत हुआ तो हम कहेंगे ये व्यू पॉइंट गलत है हमने ऐसे नहीं पढ़ा था हमने तो ऐसे पढ़ा था स्टार्ट करते हैं जब है ज दी चीफ एग्जेक्टिव एंड मेजर शेयर होल्डर ऑफ ए न्यूली इनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चीफ एक्जेक्टिव बताइए किसका पार्ट होता है डायरेक्टर्स का या मैनेजमेंट मैनेजमेंट का ही हैजफर्ड यूर फर्म टू बी द फर्स्ट एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द कंपनी उसने कहा कि आप कंपनी के फर्स्ट पे स्टूडेंट क्सटर्नल सर ठहर जाए पहला ही गलत हो गया आपने तो कहा था कि शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं ये तो चीफ एग्जेक्टिव मैनेजमेंट अपॉइंट कर रही है हाँ、लेकिन फिर मैं कहूंगा कि ये चीफ एग्जेक्टिव तो है साथ साथ शेयर होल्डर ये अपॉइंटमेंट है शेयर होल्डर कर रहा है तो अपॉइंटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है ड्यूरिंग ए मीटिंग ही वॉज ऑफ द व्यू पॉइंट वो क्लिक हुआ रिक्वायरमेंट में भी व्यू पॉइंट था कि इसके व्यू पॉइंट पे हमने कमेंट करना है उसका क्या व्यू पॉइंट है ज बीन लीगली मैंडेटेड एंड इट डॉट एड वैल्यू टू दिजनेस उसने कहा स्टेचुटरी ऑडिट यानी ऑडिट रिक्वाइडी एक्जिस्ट करते हैं क्योंकि ला रिक्वायर करता है अगर ला रिक्वायर न करता ना तो इसको दुनिया में ऑडिट ना करवाता है इसका फायदा कोई नहीं है सही कह रहा है क्या इट डू सही कह, गलत कह रहा है क्यों क्या ऑडिट करवाने के कुछ है एड फायदे होते हैं एक मिनट में बताइए क्या फायदे होते हैं क्या सिर्फ इतना लिख देंगे कि ये स्टेटमेंट गलत है ऑडिट कराने के कुछ फायदे हैं ऑडिट वैल्यू ऐड करता है सिर्फ इतना लिख देंगे कि वो फायदे गिनवाएंगे <laughs> पहला फायदा ये दूसरा आगा फायदा आगा ये आगा तीसरा आगा फायदा ये वन बाय वन जिससे पूछूं एक एक एडवांटेज बताते जाए और जो स्टूडेंट बता दे दूसरा अगला स्टूडेंट रिपीट ना करे जी आप बताइए क्या एडवांटेज है ऑडिट इट इंक्रीजेज क्रेडिबिलिटी स्टेटमेंट आगेज ऑफ बिजनेस शाबाश ठीक है? And purchase of business में कैसे assist करता है? है नहीं नहीं ये इसी को को हैं। बंदे ने बिजनेस को खरीदना है, उसके सामने होंगे कि कितने, नेटवर्क कितनी है वो calculate कर लेगा कि इसकी कितनी है। मुझे कितने में खरीदना चाहिए शाबाश। ये क्लियर हो गया एक भी अच्छा, आगे देखते हैं शायद अगला कोई और पॉइंट हो कह रहा है ऑडिट का फायदा होता तो कोई नहीं है लेकिन हाँ एक है क्या अच्छा मुझे ये बताए उसने आल नहीं का। आल मेजर का। क्या हो ये हो सकता है कि कोई मेजर फ्रॉड भी आइडेंटिफाई होने से रह जाए अगर वो कहता ना आल फ्रॉड्स तो मैं आपकी बात से मुतफिक था कि आल फ्रॉड्स के लिए तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं लेकिन उसने कहाजर फ्रॉड्स तो क्या हो सकता है कि मेजर फ्रॉड भी ऑडिटर डिटेक्ट ना कर पाए ये भी हो सकता है ये कैसे हो सकता है, है तो मुझे बताइए क्या सिर्फ ऑफ ऑडिट लिख देंगे कि उसकी एग्जाम्पल भी देंगे जैसे ये रीजन ये रीजन ये रीजन बिल्कुल एग्जाम्पल भी देंगे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं सारी दे सकते हैं लेकिन खास तौर पर एक तो जरूर देनी है फ्रॉड वाली तो जरूर देनी है सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स वगैरह होते हैं बाकी भी अगर टाइम है तो दो तीन कर अच्छा यहाँ पे अब थोड़ा मार्किंग सीम के ऊपर एनालिसिस कर लेते हैं तो टोटल मार्क्स है सेवन इसका मतलब है और रिक्वायरमेंट है दो एक हमने कमेंट करना है कि नो एड वैल्यू और एक कमेंट करना है कि ऑल फ्रॉड डिडक्शन तो मेरा ख्याल एक के फोर मार्क्स होंगे एक के थ्री मार्क्स होंगे तो मुझे क्या करना चाहिए एक के तीन पॉइंट एक के चार पॉइंट एक्स्ट्रा लिख देने चाहिए के टू बी ऑन से, सेफ साइड एक एक दो दो पॉइंट एक्स्ट्रा लिख देने चाहिए क्लियर हुआ जी ये हाइब्रिड वाले स्टूडेंट मुझे बताइए क्लियर है

स्टेटमेंट तो आप यही बता रहे हैं ना कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है अब क्यों नहीं है, है। एग्जामिनर बार बार ये कहता है बेसिस ऑफ डिसीजन नहीं देते केस स्टडी में सबसे ज्यादा जो कॉमन कंप्लेन है एग्जामिनर की वो क्या है स्टूडेंट डिसीजन दे, दे देते हैं और डिसीजन ठीक होता है कंसेप्ट ठीक है स्टूडेंट बेसिस ऑफ डिसीजन नहीं 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 यहां पे नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है ठीक है वो नहीं सिर्फ की तरफ जाना है आपने अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं अब शायद ये टू अर्ली है लेकिन मेरे जहन में आ रही है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं समझ आ जाए ठीक ना समझ आए तो इग्नोर कर दीजिएगा बाद में फिर डिस्कस हो जाएगी सम टाइम हमने एग्जामिनर का माइंड डी कोड करना होता है कि वो हमसे चाह क्या रहा है वो हमसे चाह, चाह, चाह क्या रहा है यानी इसकी एग्जाम्पल कई दफा ऐसा होता है

कोशिश करनी है कि एग्जामिनर मार्क्स को सामने रखे सोचे एग्जामिनर मेरे से क्या चाह रहा है ठीक है कभी कभार ना मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं तो उस वक्त फिर ये एनालिसिस करना काम आ जाता है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन टू देख के बताइए क्या केस स्टडी लग रहा है yes, दो तीन पैराग्राफ में केस स्टडी लग रहा है तो सबसे पहले फिर रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं डिस्क्राइब द लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय दिस स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन हाउ एंड वाई इट डिफर्स फ्रॉम द लेवल ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाई एन ऑडिट ऑन एनअल हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है बताना है हमने कि यह लेवल ऑफ इन्श्योरेंस स्टेटमेंट क्या प्रोवाइड करे कह रहे फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स अनमोडिफाइड रिपोर्टिट फॉर कॉस्ट प्रोफिट फॉर कॉस्ट प्रॉफिट फॉर कॉस्ट ही हमें अंदाजा हो गया लिमिटेड इंश्योरेंस हो गए लेकिन बहरहाल उसकी वर्डिंग भी उसने दिया

नहीं दे रहे क्लियर होगी तो बताइए कौन सा लेवल ऑफ इश्योरेंस है लिमिटेड या ऑडिट से रीजनेबल इंश्योरेंस इसमें प्रोसीजर कम से ऑडिट वाला पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन यहां तक क्लियर है कोई क्वेश्चन हाइब्रिड में कोई क्वेश्चन जी कोई क्वेश्चन नहीं आगे चला

अगर डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर ऐसा कभी नहीं होता प्रैक्टिस में कोई ऐसी नहीं है एग्जाम्पल लेकिन अगर 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 ऐसा हो फर्श करे ऐसा हो तो चूंकि थ्री पार्टीज होगी वो शोर एंगेजमेंट हो सकती है ठीक है लॉ ने कुछ एक्सेप्शनल केसेस में इसकी इजाजत दी है लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता नेक्स्ट क्वेश्चन फोर केस स्टडी बेस करिए प्रोडक्शन का पहले क्या करना चाहिए रिक्वायरमेंट बढ़े एक्सप्लेन विच फैक्टर्स वुड सजेस्ट डैट न्यू हेल्थ फूड शुड हैच फैक्टर्स वुड सजेस्ट डेट एंड ऑडिट इज नॉट इक्वाइट यानी क्या कह रहे हैं जी हाइब्रिड में से कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं जी जी पूछिए जी जी अगर कोई पर्सन एट द सेम टाइम शेयर होल्डर भी है एट द सेम टाइम डायरेक्टर जैसे पिछले हमने वो क्वेश्चन में पढ़ा था तो बिल्कुल वो कर सकता है अपॉइंट ऑडिटर को लेकिन वो एज शेयर होल्डर कर रहा होगा ठीक है उसकी अपॉइंटमेंट में कोई को बात नहीं है ठीक है वो वो शेयर जी तो क्वेश्चन फोर पहले रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन विच फैक्टर वो कह रहा है बताओ कौन से फैक्टर्स हैं जो ये बता रहे हैं कि न्यू हेल्थ फूड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इसका ऑडिट होना चाहिए और कौन से फैक्टर सजेस्ट करते हैं कि ऑडिट नहीं होना चाहिए आप बताइए मुझे ये बताइए फर्स्ट कीजिए कि आप डॉक्टर हैं आपके पास पेशेंट आया उसने कहा सर मुझे ये ये मसला है आप क्या उसे फौरी तौर पे कह देंगे ऑपरेशन करवा लो भाई कुछ फैक्टर्स होंगे जिनको सामने रखे हो सकता है आप एडवाइस करेंगे कुछ फैक्टर हो सकता नहीं लेकिन अगर आप पैसे कमाने वाले हुए तो आप कहेंगे भाई फौरी तौर पर ऑपरेशन करवाओ जरूरत नहीं भी है तो उसी तरह एज प्रोफेशनल अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आए और आप जी तो उसी तरह हमारे पास अगर कोई क्लाइंट आए और हमसे अपना इन्फॉर्मेशन बिजनेस की शेयर करे तो हमें वैल्यूएट करना चाहिए कि इसको ऑडिट करवाने की जरूरत है या नहीं है और उसकी बेस के ऊपर उसे एडवाइस देनी चाहिए ये नहीं कि उसे बगैर सोचे सामने कहते भाई ऑडिट करवा लो हमें तो पैसे आएंगे नहीं अच्छा प्रोफेशन ऐसे नहीं करता यहाँ पे उसने आपके सामने फैक्ट्स बताए हैं और आपसे पूछा है बताओ किन फैक्ट्स से आपको लग रहा है कि ऑडिट करवाने की जरूरत है और किन से लग रहा है कि ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है

इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसे लगे कि ऑडिट कराने की जरूरत है या नहीं है यहां पे है पार्टनरशिप फर्म है पार्टनरशिप्स के लिए ऑडिट कराना रिक्वायर्ड नहीं होता इसीलिए इसका इस बिजनेस का पार्टनरशिप होना इस बात की तरफ इशारा है ये एक रेलिवेंट फैक्टर है कि इसको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है ये नॉट वाला पॉइंट आ गया फिर इन डिस्कसिंग द बिजनेस यू लर्न दैट न्यू हेल्थ फूड इज थिंकिंग ऑफ एक्सपेंडिंग टू ए फोर स्टोर इन ए नियर बाय सिटी बट इजिसाइडेड अबाउट हाउ टू फाइनेंस एक्सपेंशन इसमें करने की ज़रूरत है? क्यों? अगर बैंक से लोन ले, लेकिन क्या यहां तक उसने बताया कि हम बैंक से लोन लेंगे अभी तक नहीं बताया अभी तक नहीं बताया अगर बैंक की बात करेगा तो फिर हम करेंगे दे आर कंसीडरिंग इधर बारिंग फ्रॉम ए बैंक और फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ओनर्स हाँ आप बैंक की बात कर ले तो हम कहेंगे अगर वो बैंक से करना चाह रहा है तो फिर ऑडिट जरूरी होगा फिर उसे ऑडिट करवाना चाहिए क्योंकि ऑडिट के बगैर बैंक लोन नहीं देता इट असिस्ट इन ग्रांट ऑफ लोन है तो ये एक रीजन आ गई कि ऑडिट जरूरी है फिर था ओनर लेकिन अगर वो एग्जिस्टिंग ओनर से लेते तो फिर ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो खुद ही ऑलरेडी जो है वो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं ओनर्स आर टू ब्रदर्स एंड टू सिस्टर्स थ्री ऑफ होम एक्टिवली मैनेज वन स्टोर इज एंड द फोर्थ विल मैनेज द न्यू स्टोर नेक्स्ट ईयर जी बताइए ओनर ही बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं ओनर ही बिजनेस को भाई सोचे जरा ओनर सारे के सारे ओनर बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं ना ऑडिट तो करवाने की जरूरत है नहीं क्योंकि वो कंफ्लिक्ट नहीं है वो जो बेस्ट व्यूअर ट्रू एंड फेयर व्यूअर कंफ्लिक्ट आता था जिसकी वजह से असल में ऑडिट याद हुआ था वो किस वजह से वो था बेस्ट व्यू और टू एंड फेयर व्यू की वजह से याद हुआ था ना अब चूंकि वो कंफ्लिक्ट नहीं है वो क्योंकि वो डिफरेंट पोजिशन नहीं ओनर्स खुद ही बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं तो इसीलिए ऑडिट की भी जरूरत क्योंकि अगर ओनर कोई और हो मैनेज कोई और कर रहा हो तो ओनर को खतरा होता है कि मैनेज करने वाला फ्रॉड तो नहीं कर रहा मेरे साथ लेकिन जब ओनर खुद ही मैनेजर है तो उसे ये खतरा नहीं है ना वो खुद के साथ फ्रॉड थोड़ी कर रहा है तो इसीलिए इस इंफॉर्मेशन से मैं पता चला कि उन्हें ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है एंड द फोर्थ विल मैनेज द न्यू स्टोर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर में फोर्थ फोर्थ वाला जो उनका जो फैमिली मेंबर है वो तो नया शोर मैनेज करेगा कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम हाँ अगर इसमें ये जो फैमिली मेंबर्स है ये एक दूसरे की ब्रांच में इन्वॉल्व नहीं है तो दूसरों की ब्रांच के एक्यूरेसी के बारे में शोर होने के लिए ऑडिट करवा सकते हैं ठीक है क्योंकि तो हर एक का एक अलहदा अलहदा है देखिए ये दो डिफरेंट पॉइंट है एक पॉइंट ये है कि ओनर्स ही सारे खुद मैनेजर्स हैं ये ऐसा फैक्टर है जो कि बताता है हमें कि ऑडिट की जरूरत नहीं है लेकिन एक यह कि चार स्टोर है और हर बंदा लता रहता स्टोर मैनेज कर रहा है तो जो एक स्टोर है स्टोर नंबर वन या उसका जो मैनेज करने वाला है वो बाकी के स्टोर के इंफॉर्मेशन के बारे में कैसे श्योर होगा उसके लिए ऑडिट करवाने की जरूरत हो सकती है जैसे इसे सम टाइम कहते हैं ना आप पार्टनरशिप शायद आपने पढ़ा हो स्लीपिंग पार्टनर तो बाजू का जो स्लीपिंग पार्टनर होता है वो सोच रहा होता है कि ऑफिस में पता नहीं क्या चल रहा है तो उसके लिए फिर ऑडिट कराना जरूरी होता है तो ये स्लीपिंग पार्टनर तो नहीं है लेकिन ये हर पार्टनर अलहदा सेटअप को देख रहा है और वो बाकी के सेटअप में उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो बाकी के सेटअप की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट सामने आएंगी तो उसकी तसली बढ़ जाएगी ये एक फैक्टर है जो ये इशारा कर रहा है कि ऑडिट होना चाहिए तो इस क्वेश्चन में मिक्स फैक्टर्स थे दो फैक्टर्स एक हमें एक दो फैक्टर्स ये बता रहे थे कि ऑडिट होना चाहिए और दो फैक्टर्स ये बता रहे थे कि ऑडिट नहीं होना चाहिए या जितने भी फैक्टर्स थे एक दो या तीन तीन लेकिन मिक्स फैक्टर्स थे क्लियर हो गया ये क्वेश्चन चलिए ये थे हमारे वॉल्यूम टू के चार क्वेश्चन जिसकी हमने डिस्कशन कर कर उठा दीजिए जी अब चलते हैं हम आज के कंसेप्ट की तरफ आज हम जो नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं वो एक तो है एक्सपेक्टेशन गैप जी जी पूछ सकते हैं बिल्कुल कोई क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ सकते हैं जी 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 इनका क्वेश्चन यह है कि सर आपने एड्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी में यह बताया था कि सम टाइम ऑडिटर शेयर होल्डर्स के साथ साथ कुछ दूसरे अदर्स को भी कम्युनिकेट करता है उसकी कुछ एग्जांपल्स बताई थी डिस्कस की थी हमने जैसे नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन उसमें एक एग्जांपल थी कि डायरेक्टर्स को मैनेजमेंट लेटर कम्युनिकेट करना है स्टूडेंट तो का क्वेश्चन है कि सर ये तो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं तो आपने डायरेक्टर्स को कह दिया तो याद रखिए ये मैनेजमेंट लेटर मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स दोनों को कम्युनिकेट किया जाता है दोनों डायरेक्टर्स को भी कम्युनिकेट किया जाता है ताकि डायरेक्टर्स इनके ऊपर एक्शन लें और मैनेजमेंट से ये वीकनेसेस रिमूव करवाएं सिस्टम को इंप्रूव करवाएं क्योंकि जिसकी गलती है उसको तो बता ही देना चाहिए लेकिन अगर सिर्फ उसको बताएंगे हो सकता है वो ठीक करे हो सकता ना करे तो उसके ऊपर वाले बंदे को भी बताना चाहिए ताकि वो उसे ठीक करवाए भाई क्लियर हो गया क्वेश्चन और जी जी जरूर पूछे जी क्वेश्चन यह अगर ऑडिटर स्टार्ट ऑफ द ऑडिट इंडिपेंडेंट था ड्यूरिंग ऑडिट इंडिपेंडेंट नहीं रहा तो फिर देखिए अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहा तो ऑडिटर ही नहीं रहा इंडिपेंडेंट नहीं रहा तो वो ऑडिटर भी, तो भी नहीं रहा उसको हम कहते हैं वो डिस्कवालीफाइड हो गया अगर अगर स्टार्ट ऑडिटर का याद रखें स्टार्ट भी और थ्रू आउट द ऑडिट भी इंडिपेंडेंट होना जरूरी है अगर कहीं पे वो एक दिन के लिए भी इंडिपेंडेंट नहीं रहा ना तो फिर वो ऑडिटर भी नहीं रहा डिस्कालीफाई हो गया उसे हम कहते हैं डिस्कालीफाई हो गया जी और कोई क्वेश्चन चलिए जी आपका क्वेश्चन नहीं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करना है लिमिटेड एश्योरेंस या रिव्यू नहीं अच्छा नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन क्या है हमने ये स्टडी किया था थ्री पार्टी रिलेशनशिप में कि ऑडिट में तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं मैनेजमेंट

हालांकि उन्हें पता नहीं है उन्हें कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं कहते नहीं नहीं तुम्हारे कजन है तो बीए में फर्स्ट डिवीजन लिया है वो पढ़ता था ना उसकी फर्स्ट डिवीजन आ गया और तुम नहीं पढ़ते हो गए इसलिए तुम फेल हो गए हो बताइए ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि नहीं बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग है उन्हें पता ही नहीं है कि बी और सी में क्या फर्क है उन्हें पता ही नहीं है सी का पेपर कैसे होते हैं सी का सिलेबस क्या चीज है कितनी तैयारी करनी पड़ती है ठीक है इसमें तो अच्छा खासा जी जी पढ़ने वाले जो है वो भी समटाइम फेल हो जाते हैं तो क्या ये अच्छा अब ये देखे ये मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी है लेकिन भुगतना किसको पड़ती है हमें हाँ दूर होनी चाहिए एग्जैक्टली exactly इसी तरह हम कहते हैं शेयर होल्डर आप घर वालों को जाके कहो भाई सीए में मेरी जिम्मेदारी है मैंने पढ़ना है टेस्ट मैंने देने मेरी जिम्मेदारी आपकी सिर्फ एक जिम्मेदारी है क्या ये जो गलत फहमी आपने पाली हुई ना अपने जेनों में इनको निकाल दें उसी तरह एज ऑडिटर हम शेयर होल्डर से ये कहते हैं हम कहते हैं भाई हमने ऑडिट करना है फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेटमेंट का बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उसको ऑडिट करना हमारी जिम्मेदारी आपका सिर्फ एक ही काम है एक ही जिम्मेदारी क्या ऑडिट प्रोफेशन के बारे में जो गलत फहमी आप लोगों ने जेहनों में पाली हुई है ना उनको निकाल लें भाई वे कौन सी मिस हैं जो शेयर होल्डर्स के जेहनों में होती है उसे कहते हैं एक्सपेक्टेशन गैप एक्सपेक्टेशन गैप का मतलब यह है कि असल में ऑडिटर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और है जबकि हो शेयर होल्डर समझ रहे होते हैं कुछ है असल में ऑडिटर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं नीचे से लेके यहां तक लेकिन शेयर होल्डर समझ रहे होते हैं ऑडिटर के रोल्स एंड यहां तक तो ये जो गैप है इसे कहते हैं एक्सपेक्टेशन गैप यानी एक्सपेक्टेशन गैप डिफरेंस है बिटवीन एक्चुअली वक्ुअलीस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर एंड वट जनरल पब्लिक थिंक्स जनरल पब्लिक परसीव जनरलिक्सपेक्टिबिलिटी इसे कहते हैं एक्सपेक्टेशन गैप

सिबिलिटी <laughs> रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और जबकि शेयर होल्डर समझ रहे हैं कुछ रहे हैं। तो जो और शेयर होल्डर नॉर्मली सोचेंगे कम थोड़ी कम सोचेंगे तो वो तो हमारा भले की बात है ना वो यानी कुछ काम ऐसे है जो ऑडिटर नहीं करता और जनरल पब्लिक समझ रही होती है कि ऑर्डिटर कर रहा है ये है एक्सपेक्टेशन गैप एक्सपेक्टेशन गैप समझ आया अब आते हैं एक्सप्लेन करते हैं विद्प ऑफ सम्पल्स कि प्रैक्टिकली कौन कौन से एक्सपेक्टेशन गैप कौन कौन सी मिस अंडरस्टैंडिंग है जो जनरल पब्लिक होती है और ये याद रिसर्च के जरिए आई है क्या करता है ऑडिटर एक्सपेक्टेशन गैप हो गया कि नहीं हो गया जनरल no. पब्लिक समझती है ऑडिटर 100 परसेंट ट्रांजेक्शन को चेक करता है no. करता है क्या सैंपल no. बेस so पे काम करता है जनरल no. पब्लिक समझती है ऑडिटर एब्सोल्यूटोरेंस प्रोवाइड करता है गलत no.

प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करने की मैनेजमेंट की है ऑडिटर की नहीं है अगर कोई फ्रॉड ऐसा हुआ जो कि मटेरियल हुआ और रीजनेबल इंसौनों से सामने आ सकता हुआ वो हम आइडेंटिफाई कर देते हैं वर्दा नहीं करते अच्छा जब हम कहते हैं ना कोई चीज आइडेंटिफाई करने के लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि ऑडिटर बिल्कुल ही नहीं करेगा यानी जब मैं कहता ना ऑडिटर इज नॉट रिस्पांसिबल टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड इसका यह मतलब नहीं है कि मैं ऑडिटर हूं फ्रॉड मेरे आगे पीछे दाएं बाएं घूम रहा है और मैं उसे कह रहा हूं मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है तुम्हें तो डिटेक्ट करना है मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है ऐसे नहीं है। अगर सामने आ जाए ऑडिट करते हुए तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे अगर वो रिपोर्ट ना ना करे तो वो हमें पकड़ लेंगे लॉ मेकर्स वो कहेंगे भाई ये तो तुम्हारे सामने आ गया था लेकिन हमने खुद से अगर फ्रॉड हमें कोई इंडिकेशन नजर नहीं आ रही तो हमने खुद से इसके पीछे नहीं पड़ना एफर्ट्स फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए एफर्ट्स नहीं करनी हां, अगर, अगर अपनी ऑडिट करने की एफर्ट्स क्योंकि फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए ना खास तौर पे एफर्ट्स की जरूरत होती है ये एक होता है हम तो ऑडिटर है ना ये, होता है एक्जामिनर। एक्जामिनर। ये उसका काम होता है ऑडिट प्रोसीजर, प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं फ्रॉड एग्जामिनेशन प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करने फ्रॉड लेकिन अगर कोई फ्रॉड किसी बहुत ही ना तजर्बेकार बंदे ने जो आम प्रोसीजर से भी पकड़ा जा सकता हुआ तो वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे उसको रिपोर्ट कर लेंगे जो हमारे सामने आ रहा है गया क्लियर है ये बात समझ आ रही है तो आइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर रीजनेबल इंश्योरेंस के दौरान में फ्रॉड सामने आ जाए वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे डिटेक्ट कर लेंगे रिपोर्ट कर लेंगे फिर ओपिनियन ऑन इंटरनल कंट्रोल क्या आइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन देना ये हमने पढ़ा था ना इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन आइडर देता ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और ऑडिटर देता भी नहीं ओपिनियन ऑडिटर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन करता है भूल गए आप ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन करता है रिस्क असेसमेंट के लिए ओपिनियन कभी भी नहीं देता इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन कभी भी नहीं देता ऑडिटर ओपिनियन सिर्फ एक चीज पे देता है अभी तक जो हमने पढ़ा किसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर हाँ अगर कोई डेफिशेंसी कम्युनिकेट लेकिन वो ओपिनियन तो नहीं होती ओपिनियन तो नहीं होती हाँ जी करे तो तो करे ना करे ना से ओपिनियन इंटरनल कंट्रोल पे ऑर्डर नहीं देते पाकिस्तान में तो नहीं देते क्लियर है, है। जी बिल्कुल आइडेंटिफाई कर देता देखिए डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करना और चीज है ओपिनियन देना और चीज है ओपिनियन देने का मतलब यह है कि ऑडिटर खास तौर तो पे इंटरनल कंट्रोल को चेक देखिए जैसे ऑडिटर खास तौर तो पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शन को चेक करता है देखता है ठीक है कि नहीं फिर रिपोर्ट देता यह है ओपिनियन लेकिन अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि हमने उसकी चेकिंग नहीं करनी सिर्फ सचली तौर तो पर देखना है कोई मसला नजर आए तो बता देंगे वरना नहीं बताएंगे वरना नहीं बताएंगे ठीक है हमारी रिस्पांसिबिलिटी तौर तो पे इंटरनल कंट्रोल को वेरीफाई करना नहीं है लेकिन अगर ऑडिट के तर... ये इंटरनल कंट्रोल की कंट्रोलिबिलिटी और फ्रॉड वाली तकरीबन एक ही तरह की है। दोनों में हम खास तौर तो पे इनके लिए कोई काम नहीं करते हाँ अपने ऑडिट के दौरान में रूटीन नेचर के काम करते हुए इनके मसले मसाइल नजर आ जाए तो वो बता दिया करते हैं देखिए इंटरनल कंट्रोल एक लगा चीज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगा चीज है इससे एग्री करते हैं शेयर होल्डर्स किस में इंटरेस्ट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको वेरीफाई करके हमने रिपोर्ट देनी है इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर ओपिनियन नहीं देना लेकिन अगर ऑडिट करते हुए हमें कोई गड़बड़ नजर आ जाए इनवेंट्री काउंट करते हुए हमें पता चल जाए कि ये सिक्योर नहीं है तो हमें एक वैल्यू एडिट सर्विस के तौर पर बता देना चाहिए इसका यह मतलब नहीं है कि आपने सारे के सारे इंटरनल कंट्रोल को चेक कर लिया ठीक है हो सकता है किसी इन्वेंट्री में ही कोई और इंटरनल कंट्रोल भी वीक हो सकता है इंटरनल कंट्रोल वीक हो और इन्वेंट्री किसी एक्सपेंसिव सप्लायर से खरीदी जा रही हो लेकिन वो हम काउंट के दौरान में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो हमें ऑडिट के दौरान में जो जो इंटरनल कंट्रोल में वीकनेसेस सामने आती है वो तो रिपोर्ट कर देते हैं थ्रू लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आपने सारी की सारी इंटरनल कंट्रोल को चेक कर दिया ठीक है आपने जो सामने आ गया वो ठीक है आपने किताब देखी कोई उसके दो सौ सफे हैं देखते देखते एक जगह भी आपको स्पेलिंग की मिस्टेक नजर आई आपने कहा सर स्पेलिंग की मिस्टेक है इसको ठीक कर लेकिन इसका यह मतलब है आप मुझे ओपिनियन दे रहे हैं कि बाकी की सारी किताब ठीक है नहीं ना ओपिनियन तो नहीं दे रहे आपको के काम है जो मसला सामने आया आपने वो आइडेंटिफाई मैनेजमेंट लेटर भी यही चीज है कि अपना काम करते हुए जो मसला सामने आया वो बता दिया इसका ये मतलब नहीं है कि हम ओपिनियन दे रहे हैं कि बाकी सारा कुछ ठीक है ओपिनियन का मतलब यही होता है ना कि बाकी सारा कुछ ठीक है वो नहीं करता ये कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग समझ आ गई एक्सपेक्टेशन क्या जी हाँ पे भी डिपेंड करता है इसीलिए इसीलिए दुनिया के हर कंट्री में रूल है कि हर बंदे को चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बनाते जरूरी है और चार्ट अकाउंटेंट बनने के लिए नॉलेज होना भी जरूरी है और स्किल होना भी ट्रेनिंग भी आपकी जो साढ़े तीन साल की ट्रेनिंग होती है इसीलिए होती है ठीक है इसीलिए होती है कि आपके पास इतनी स्किल हो कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर सकें जी क्या चार्टेड अकाउंटेंट्स के अलावा और कोई नहीं हो सकता हो सकता है लेकिन वो छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेंट ही होगा पाकिस्तान पाकिस्तान की की बात की बात करना कर। बाकी दुनिया में भी इसी तरह की है अब चलते हैं आगे अच्छा नेक्स्ट कंसेप्ट जो है ना हमारा वो पढ़ने और याद करने से ज्यादा समझने वाला है और ये वो कंसेप्ट है जो लाजमी एग्जाम में इस अटेम्प्ट में टेस्ट होगा ये वो कंसेप्ट है जो एग्जाम में इस अटेम्प्ट में लाजमी टेस्ट होगा अच्छा ये क्या हमारा मेन कंसेप्ट है एसेंशियल्स ऑफ प्रॉपर कंडक्ट टू ऑडिट यानी एक ऑडिट करने के लिए कौन सी चीजें होना जरूरी है एक अच्छा ऑडिट करने के लिए तीन चीजें होना जरूरी है ऑडिट तीन खसूसियात होना जरूरी है सबसे अहम इंडिपेंडेंट होना चाहिए दूसरा प्रोफेशनल जजमेंट होनी चाहिए तीसरा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होना चाहिए इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जो पर्सन ऑडिट कर रहा है उसका क्लाइंट के साथ कोई नहीं होना चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंट होकर अपना काम करे ठीक है जैसे जो मैच का रेफरी है वो किस टीम का होना चाहिए पाकिस्तान का कि ऑस्ट्रेलिया का किसी का भी नहीं ताकि वो इंडिपेंडेंट हो एग्जैक्टली exactly, उसी तरह ऑडिटर भी ना मैनेजमेंट का बंदा होना चाहिए शुर्णा ना शोर होल्डर इंडिपेंडेंट होना चाहिए फिर प्रोफेशनल जजमेंट प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब क्या है प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब यह है कि ऑडिट करते हुए कुछ जगह ऐसी आती हैं जहां पे आपको गाइडेंस नहीं मिलती किताबों में क्या लिखा हुआ है किताबों में क्या लिखा हुआ आपको बताया था जिस तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना उसी तरह ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं लेकिन जिस तरह काउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हर काउंटिंग ट्रीटमेंट का जिक्र नहीं किया गया जो बड़े बड़े काउंटिंग इश्यूज हैं उन्हीं को डिस्कस किया गया जैसे अगर आप देखें वो डेप्रिसिएशन मेथड तो डिस्कस करते हैं काउंटिंग स्टैंडर्ड्स उनकी कैलकुलेशन को डिस्कस नहीं करते क्योंकि आपको एक्साम्पल कैलकुलेशन नहीं मिलती है ना कि स्ट्रेट लाइन की कैलकुलेशन कैसे करनी है या की कैसे करनी यानी ये, ये कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन कर लो कैलकुलेशन नहीं इन्वेंट्री की बेसिस बताएंगे बेटरी डेवरेज है या फाइफो उसकी कैलकुलेशन करके नहीं बताएंगे ठीक है कुछ चीजों के ऊपर स्टैंडर्ड्स हैं जैसे फिक्स है लेकिन कुछ चीजों के ऊपर नहीं है जैसे मेरा ख्याल है कैश के ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं है डेटर्स के ऊपर भी शायद कोई स्टैंडर्ड नहीं है ऐसे ही है अब मुझे तो अर्सा हो गया अकाउंटिंग बड़े हुए डेटर्स के ऊपर भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है लीजिस के ऊपर है टैक्स के ऊपर है सेल्स के ऊपर भी है शायद परचेजेस के ऊपर नहीं है मेरा ख्याल है ना परचेज इन्वेंट्री के ऊपर तो इसी तरह जिस तरह नहीं कंक्लूजन इस इसमें पहुंचे कि हर अकाउंटिंग इशू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिस्कस नहीं हुआ तो जो डिस्कस नहीं हुए वो फिर प्रैक्टिस में हम लोगों से सीखते हैं आपके टीचर आपको सिखाते हैं आप और टीचर कैसे अपनी जजमेंट अप्लाई करते हैं उसी तरह याद रखें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनके मुताबिक हमने ऑडिट करना है अगर कोई आपसे पूछे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आपने कहना है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एक बुक है जो हमें यह बताती है कि ऑडिट करते हुए अगर ये सिचुएशन सामने आए तो ये प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं ये सिचुएशन सामने आए ये प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं और ये सिचुएशन सामने आए तो यह प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं इन चार्ट अगर मैं आपको बताऊं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की समरी तो वो ये होगी कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड डिफरेंट सिचुएशन को डिस्कस करते हैं जो ऑडिट में हमें फेस करना पड़ती है और फिर हर सिचुएशन में क्या प्रोसीजर हमें परफॉर्म करने चाहिए वो बताती है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड समझ आगे क्या लेकिन मुझे यह बताइए कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में दुनिया की हर कंपनी के हर ऑडिट की हर सिचुएशन का जिक्र होगा कि जो बड़ी बड़ी मसले मसाइल वाली सिचुएशन होती हैं उनका जिक्र होगा बाकी का नहीं तो फर्ज कीजिए अगर किसी ऑडिट में हमें किसी ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में नहीं लिखी हुई हम क्या करेंगे जजमेंट अप्लाई करेंगे प्रोफेशनल जजमेंट यानी जजमेंट का मतलब क्या है जो चीज किताबों में नहीं लिखी हुई उसके बारे में अपनी अकल से अंदाजा लगाना कि यहां क्या करना चाहिए यह है जजमेंट तो इंडिपेंडेंस और जजमेंट समझ आ गई क्या आपको yes, अब आते हैं सबसे अहम कंसेप्ट जो मैंने कहा लाजमी टेस्ट करेगा प्रोफेशनल प्रोफेशनलिजम ये कभी कभार आप ये जो क्राइम स्टोरीज वाले ड्रामा वगैरह अगर देखें या नॉवल पढ़े ना तो उसमें एक रूल बताते होते हैं रूल बताते हैं, कि अगर किसी जगह पे जुर्म हो तो हर बंदे पे शक करो कि शायद इसने जुर्म किया शायद इसने किया शायद इसने किया शायद इसने किया अगर किसी एक बंदे को भी आपने शक से बरी कर दिया ना तो हो सकता है वही मुजरिम हो और वो निकल जाए यानी ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुने कहते हैं सबको नेक समझने से बेहतर है सबको बद समझा जाए इसलिए कि अगर किसी को नेक समझा और बाद में वो बद निकला इसका नुकसान ज्यादा है और अगर किसी को बद समझा बाद में वो नेक निकला इसका नुकसान कम है बल्कि ये तो फायदे वाली बात है तो सेफर एजम्पन क्या होती है ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से सेफर एजम्शन क्या है तो प्रोफेशनल स्कैप्टिसिज्म का मतलब क्या है स्केप्टिसिज्म स्केप्टिसिज्म का डिक्शनरी मीनिंग शक शुभा करना शक करना शक शुभा करना डाउट करना किसी में प्रोफेशनल का मतलब क्या कर... ऑडिट प्रोफेशन में ऑडिट प्रोफेशन में कौन शख्स सुबह कर रहा है किस पे कर रहा है क्लाइंट में मैनेजमेंट में क्या हो सकता है ये नहीं लाजमी गड़बड़ होगी और ये नहीं कि लाजमी है गड़बड़ नहीं होगी बल्कि क्या है प्रोफेशनल हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ हम इस माइंड के साथ जाते हैं तो हो सकता है हमें कुछ मसले मसाइल सामने आ जाए अगर इस माइंड के साथ जाएंगे ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है तो कोई गलती नहीं है तो आपको कोई गलती मिलेगी भी नहीं ठीक तो यह है प्रोफेशनल कि आपके सामने डिफरेंट इंफॉर्मेशन आएगी अगर कोई इंफॉर्मेशन आए तो आपने उसे इग्नोर नहीं करना कोई सस्पिशियस सरकमस्टांसिस आपके सामने आए आपने उसको इग्नोर नहीं करना मुझे एक बात है छोटे से आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और परचेज वाला बंदा है आपके पास और आपको कहने लगा सर ये जो सेल्स वाला बंदा है ना ये गड़बड़ कर रहा है ये फ्रॉड कर रहा है आप क्या करेंगे क्या इस इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देंगे इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश यही प्रोफेशनल कैप्टिज है क्या आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आए ना जो इंडिकेट कर रही हो किसी गड़बड़ को आपने उसको इग्नोर नहीं करना हो सकता है कि प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद साबित हो सेल्स वाला इनोसेंट है तो ये ज्यादा बेहतर सिचुएशन है बजाय इसके कि आपने कहा नहीं नहीं यार वाला तो बड़ा नेक आदमी है वो तो रोजे रखता है माशा नमाज बाद हाथ हाँ, हाँ लंबी दाढ़ी सर पे टोपी हाथ में तस्वी वो तो फ्रॉड कर ही नहीं सकता और बाद में पता चले कि कर दे याद रखें हमने हमेशा एविडेंस हमारा पहला है एविडेंस के बगैर किसी भी बंदे पे किसी भी चीज़ पर रिलाई नहीं करना किसी की जाहरी शक्ल सूरत देख के रिलाई नहीं करना एविडेंस है तो हम रिलाई करेंगे वरना रिलाई नहीं करेंगे

जैसे मुझे बताइए ऑडिट करने के लिए आप गए क्वेश्चनिंग माइंड क्या आपने दे क्वेश्चन ऑडिट करने के लिए गए पिछले साल की नस्बत इस साल सैलरी ज्यादा है क्लाइंट से पूछेंगे या खुद एज्यूम कर लेंगे कि ज्यादा काम करवाया होगा क्वेश्चन करेंगे क्या क्वेश्चन करेंगे ज्यादा सैलरी से ज्यादा, ज्यादा, ज्यादा क्यों है कहीं ऐसा तो नहीं ओवरस्टेड किया होगा कहीं ऐसा तो नहीं फेक एम्प्लॉइज रजिस्टर करवा के तो

पिछले साल के साथ कंपेयर कर रहे करेंगे इंक्रीज है वो भी क्वेश्चन करना है डिक्रीज है वो भी क्वेश्चन करना है जहां पे चेंज होना चाहिए लेकिन सेम है वो भी क्वेश्चन करना अच्छा पिछले साल की इस साल सेल ज्यादा है बताइए क्वेश्चन करेंगे क्लाइंट करेगा तो सेल ज्यादा है तो अच्छी बात है हमारा सी तो बहुत खुश है आपको क्या मसला है आप क्या क्या रिस्क है हमारा रिस्क ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवर हो सकती है हो सकता है अच्छा और पिछले साल की इस साल सेल्स कम है आप इन क्वेश्चन करना चाहिए क्यों कम है अब क्या रिस्क है इसमें एक छोटा रिस्क है, एक बड़ा रिस्क है। छोटा रिस्क यह है कि सेल्स अंडस्ट्रेड हो सकती है सेल्स हो सकती है छोटा क्योंकि नॉर्मली कंपनी खुद सेल्स को नहीं करती, लेकिन बार एरर गलती से भी हो सकती है बड़ा रिस्क क्या है सेल्स अगर कम हो रही है

ट पॉसिबिलिटी क्वेश्चन तो करे ही करे लेकिन ऑडिटर घुमाता देखता रहे हमारे partners हमें करते थे? कि आपने ऐसे करके नहीं करना, ऐसे करके. आपने ऐसे ऐसे करके करना इसका मतलब क्या होता था कि ये नहीं सिर्फ किताबों में जो कुछ है वो ही वेरीफाई कर देखिए इर्द गिर्द क्या हो रहा है इर्द गिर्द क्या हो रहा है एक रियल आपको बता दो छोटी सी एग्जाम्पल थे तो पार्टनर ने पूछा कॉलिज था कि इस क्वार्टर का रेवेन्यू नहीं है इस क्वार्टर का रेवेन्यू नहीं है कहा सर वो छुट्टियाँ चल रही हैं और क्लासेज नहीं हो रही तो वो तो हाँ, कैंटीन में बैठे हुए थे और इर्दिगिर बहुत से स्टूडेंट थे तो पार्टनर ने कहा ये क्या है ये कहाँ से है क्लासेज नहीं और ये कहाँ से है अलर्ट टू कंड अब देखें क्या ये एक कंडीशन है जो इंडिकेट कर रही है पॉसिबिलिटी ऑफ मे स्टेटमेंट कि क्लासेस हो रही है रेवन्यू इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन मैनेजमेंट जेब में डालिए रिकॉर्ड नहीं कर रही अब मुझे नहीं पता था पार्टनर ने क्लास की बाद में मैं क्लाइंट के पास गया तो उसने कहा सर ये वो स्टूडेंट है जो हॉस्टल्स में रहते हैं ठीक है कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जब छुट्टियां हो जाती है अपने घरों को चले जाते हैं कुछ हॉस्टल्स में ही रहते हैं ये वो वाले स्टूडेंट आपको नजर आ रहे थे मैंने पहले बताते हैं। तो ये हम आपको पहले से ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ठीक है पहले से ये है बींग अलर्ट टू कंडीशन विच इंडिकेट पॉसिबल कि एज ऑडिटर हमने जब क्लाइंट पे जाना है ना तो वैसे तो अच्छी बात है कि नजरें झुका के जलना चाहिए अच्छी बात है लेकिन एज ऑडिटर हमने क्लाइंट के सिस्टम को प्रोसीजर्स को देखना है इर्द गिर्द क्या हो रहा है अगर इर्द गिर्द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा हो रही है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी उसका रिजल्ट आना चाहिए ज्यादा ठीक है और अगर इर्द गिर्द इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो रही है फाइनेंशियल मुझे एक बात बताइए सेल्स ज्यादा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम है क्या ये इंडिकेशन है कोई पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट की कैसे सेल्स अगर सेल्स ज्यादा है इसका मतलब है चीजें मैन्युफैक्चर भी ज्यादा हो तो तो रही होंगी तभी तो बिक रही हैं हवा से थोड़ी आई हवाई तो अगर वो चीजें ज्यादा तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी ज्यादा क्या सर ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है अब यहाँ तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस गलत है 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 वो सेल्स टू कंडीशन इंडिकेट देखते ना जायजा ले इर्द गिर्द जे मैं हाँ अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो फिर ठीक फिर ठीक है फिर ठीक है फिर ठीक लेकिन आगा लेकिन आगा आपका रिस्क तो एक बढ़ देना चाहिए ना अगर क्लाइंट आपको सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई दे, दे दे तो फिर ठीक है जैसे मेरा रिस्क इंक्रीज हुआ लेकिन आपने कहा सर हमारा मेथड स्ट्रेट लाइन था मेरा रिस्क कम हो गया मैं क्या तसली होगी बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक है लेकिन मुझे यह बताइए एक स्टूडेंट आया और कहने लगा सर मैं फीस नहीं दे सकता मुझे फिफ्टी डिस्काउंट दे दीजिए मैंने कहा अच्छा फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट तो देता हूँ लेकिन अपने वाले साहब से बात तो करवाओ कहे सर ये लीजिए मेरा आईफोन इसमें बात कीजिए कंडीशन इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है ठीक है हमने से अलर्ट रहना है हमने सारी इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करना है खुली आंखों से ठीक है बाजू का ऐसा होता है क्लर्क नई गाड़ी ले, ले लेता है इंडिकेशन है कि नहीं फ्रॉड के <laughs> हमने लड़ रहा है अच्छा याद रखें ये हमारा जो असेसमेंट होती है ना ये निशेल है कंफर्म नहीं है हम चांसेस पे काम करते हैं प्रोबेबिलिटी पे इंडिकेशन नजर आती है उसके पीछे लग जाते हैं बाद में हो सकता है वो सही साबित हो हो सकता है ना हो जैसे उन्होंने कहा स्ट्रेट लाइन मेथड है मैंने कहा नो मिस स्टेटमेंट लेकिन अगर वो कहते हैं कि सर वो यूनिवर्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड है मैं कहता इसमें गड़बड़ है अगर गाड़ी वाला क्लर्क है अगर वो कहे सर हमारी बहुत जहाज की प्रॉपर्टी थी वो बेच के गाड़ी ली है फिर ठीक है लेकिन अगर वो कहे सर वो अचानक मैं जा रहा था रास्ते में देख पड़ी हुई थी मैंने देखा उसके अंदर सोना ही सोना भरा था मैं चुपके से लिया मैं उसको खर्च कर रहा हूं अब फ्रॉड है ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करके कंफर्म बाद में होगा लेकिन हमने उसको आइडेंटिफाई पहले करना हाँ जी इसी तरह क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस क्रिटिकल असेसमेंट हाँ यह बात गिफ्ट वाली यही गई ओके सर मुझे नहीं पता चला कल कोई मेरे अकाउंट में अचानक से बीस लाख रुपए जमा करवा क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस का मतलब क्या है जो भी मैनेजमेंट एविडेंस प्रोड्यूस करे एज इट इज उसको ठीक मानना है कल क्यों नहीं आए थे सर मैं बीमार था मैं मान लू इस बात को मैं कहूँ ऑफ एविडेंस एविडेंस लाओ क्या एविडेंस होगा प्रिस्क्रिप्शन पर्ची डॉक्टर की घर वालों से कहा घर वालों से कहा कॉलेज की फीस दे लूट रहे हैं कॉलेज वाले फीस देनी है कितनी फीस पच्चीस हजार घर <laughs> वालों ने भिजवा क्या घर वालों को भिजवा देना चाहिए अच्छा भिजवा दें लेकिन फिर बाद में कहें भाई एविडेंस भेजो एविडेंस भेजो कि पच्चीस हजार की फीस थी पच्चीस हजार फीस जमा करवाइए वो एविडेंस होना चाहिए क्रिटिकल असेसमेंट होने चाहिए कि नहीं अच्छा मजे की बात सुने ये भाई पर्ची ला भी देंगे क्रिटिकल असेसमेंट ये नहीं है कि एविडेंस होना चाहिए एविडेंस की क्रिटिकल असेसमेंट कॉलेज फोन करके पूछें कि इस सब्जेक्ट की फीस कितनी है ये है क्रिटिकल असेसमेंट वरना अक्सर लोग क्या करते हैं वो पेट्रोल पंप वगैरह पे जाए ना फेक एनवाइस रखे होते हैं कैश में हम इसी तरह और बाज का दूसरे रिपेयर वगैरह पे भी ठीक है रिपेयर गाड़ी की होती है पाँच की और उसे कहते हैं यार दो की पर्ची बना दो पर्ची बना लो क्रिटिकल असेसमेंट का मतलब ये है कि आप सिर्फ किताबें ना चेक कर रहे हो खाते ना चेक कर रहे हो आपको दुनिया में भी पता हो कि इस गाड़ी का ये रिपेयर जो है नॉर्मली कितने में होती है ठीक है क्या क्या प्रॉब्लम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस हमारे लिए अगर अच्छा ऑडिटर बनना चाहते हैं तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस भी जरूरी है सिर्फ ये नहीं क्लाइंट ने कहा हाँ भाई क्या ए सी सर ये ए सी लेके हैं मैंने कहा मैं सी एफ ओ मैंने कहा अच्छा कितने का लेके आए हैं ढाई लाख का सर लेके आए हैं मैंने कहा अच्छा ठीक है ढाई लाख का थोड़ा ज्यादा नहीं नहीं सर गर्मी बहुत है रेट चढ़े हुए हैं ठीक है ये मुझे बिजनेस अगर मैं ये ऐसे कर देता हूं तो मुझे बिजनेस का पता ही नहीं मैं इस दुनिया में नहीं रहा मुझे पता नहीं है कि ए सी एक टन का कितने का है डेढ़ टन का कितने का है ठीक है इन्वर्टर कितने का है नॉन इन्वर्टर कितने का है ग्री का रेट ज्यादा है कि कम है ओरिएंट के की निस्मत हायर की निस्मत अगर इस इंफॉर्मेशन का हमें नहीं अंदाजा नहीं पता तो आप ऑडिट नहीं कर सकते सिर्फ ये, ये बता रहा हूं कि किन, -किन चीजों पे आपने अलर्ट हो जाना स्केप्टिसिज्म का मतलब ये ना, हो हाँ सर इसमें सबसे अहम चीज ये है कि, कि आपको कोई भी मशकूक आए फौरन अलर्ट हो जाए कुछ गड़बड़ है कुछ गड़बड़ है अच्छा क्या आप ये चाहते हैं के इसी तरह जैसे दो तीन एग्जाम्पल मैंने आपके साथ क्लास में शेयर की इसी तरह की कुछ मजीद एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर की जाए yes, जबानी कलामी के रिटर्न फार्म में।, yes, फार में पढ़ के आएंगे yes, याद नहीं करना याद नहीं करना लेकिन पढ़ के आना है अच्छा जब पढ़ के आएंगे ना तो कुछ एग्जाम्पल पढ़ के फौरन आपको समझ लग जाएगी हाँ इसमें गड़बड़ है इसमें गड़बड़ है भाई क्लाइंट के पास अगर कोई ऐसी इन्वेंट्री हो ना जो बहुत प्रीशियस आइटम है मूवेबल आइटम है तो उसमें रिस्क है चोरी का क्योंकि उसको चोर ले जाएंगे लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है आपको पता ना चले कि इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है सारी एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे वन वन बाय आपने क्या करना है रीड करके आना तो रीडिंग क्या करनी है ये चैप्टर के एंड पे अगर आप देखेंगे तो एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इन केस स्टडीज आपने सिर्फ इसको आज के दिन में दो तीन दफा पढ़ के आना है कुछ भी नहीं करना दो तीन दफा पढ़ के आना है और कुछ भी ना करें आप ऑडिट का आज कुछ भी ना करें, करें। सिर्फ क्या करें दो तीन दफा इस लिस्ट को पढ़ के आइए कितनी है बाईस बाईस आइट इनको पढ़ के आना है इसमें से कुछ आपको समझ आ जाएंगी और बहुत सी समझ नहीं आएंगी लेकिन चाहे समझ आए चाहे ना आए क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनको समझे ठीक है अच्छा एक चीज और सुन लें कल आपकी क्लास नहीं होगी कल आपकी ये क्लास है ऑनलाइन वाले भी सुन लें हाइब्रिड वाले भी कल आप अच्छा ये खुशी की बात नहीं है ठीक है कल आपकी क्लास तो इसीलिए आपने दबा के ये तीन चार दफा क्या दफा है सात आठ दफ़ा लिस्ट पढ़ लेनी है ठीक है चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं अल्लाह हाफिज़